मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री का उद्बोधन। बापू का आदर्श रे देश सदा सर्वदा अनुप्राणित। अनसंग हीरों कर देले उदाहरण। देश रे शिक्षार मानदंड वृद्धि पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 85वां तथा 2022 रो प्रथम मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करछंती। जनवरी 30 महात्मा गांधी का पुण्यतिथि अवसर रे बापू का महानता को स्मरण करछंती प्रधानमंत्री। एथर रो 73वां गणतंत्र दिवस रे देश रो वीर सेनांक शौर्य सामर्थ्य रो प्रदर्शन को देखी पूरा विश्व चकित होईछि। सुभाष बोस का प्रतिमा गेटवे ऑफ इंडिया रे प्रतिष्ठा हेबा देश पई आउ एक गौरव रा विषय बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। शिक्षार मानदंड वृद्धि नहीं गत वर्ष सेप्टेम्बर रु आरंभ होइथिबा विद्यांजलि कार्यक्रम विषय रे आज मन की बात रे कहिछंती प्रधानमंत्री। निजर ज्ञान एवं कौशल को अन्य मानक सह बांटिबा एवं राष्ट्र निर्माण पई विद्या एवं ज्ञान दान रो जन आंदोलन हेउछि विद्यांजलि। पूर्वरु केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्र विद्यांजलि संपर्क रे कहिथिले। पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमको सुजोग दैछि आमे निजर विद्यालय रे सामूहिक भागीदारी एवं दायित्व सह ज्ञान एवं विद्यादान करिवार भावना को उज्जीवित करिवा। आमे आम पिलामानकर गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करिवा पाई लोकंक भावना को जागृत करिवार आवश्यकता अछि। विद्यालय रे भागीदारी पाई जन आंदोलन आरंभ करिवा पाई आमर एई पदक्षेप होउछि विद्यांजलि। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन चलता बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण जातीय सम्मान प्रदान कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साहसिक एवं प्रेरणादायक कार्य कर प्रदान पिलामानंकर कहानी अन्य पिलामानंक प्रेरणा और गौरव आनी पारि। पद्म पुरस्कार मनोनीत व्यक्ति मानंकर असाधारण कार्य विषय प्रधानमंत्री। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। कर्तव्य को प्राथमिकता देवार आवश्यकता रही। परिप्रेक्षी रे एथर गणतंत्र दिवस रे प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड चार्जर घोड़ा विराट रो विराटतार दृष्टांत देछंती प्रधानमंत्री। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। देश कोरोना विरुद्ध लड़ाई रे सफलतार सह जीतिछ। यहां देशर प्रत्येक नागरिक रो सफलता और यहां को जारी रखिबार आवश्यकता रहिछि बोली आजिर मन की बात रे कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस। धन्यवाद।